और मुझे अच्छा लगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के पुस्तक मेला लगाया है। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे पुस्तक मेला में जरूर आए, जिससे देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला बन सके, क्योंकि ये 17 नवंबर तक चलेगा। तो 9 नवंबर से 17 नवंबर तक एक लंबे समय के लिए जो आयोजन है, इसका लाभ आपको प्राप्त हो। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया है कि तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है कि जो ये पुस्तक समारोह है एक लंबे वक्त तक चलेगा, तो आपको एक लंबा समय मिलेगा इन रोमांचक किताबों को पढ़ने का। तो आप आइए, अपनी दिलचस्पी दिखाइए, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तमाम बातों का जो जिक्र है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया है। लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत की थी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, तमाम बच्चे जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो पुस्तक उत्सव का शुभारंभ किया, उसके बाद बच्चों से भी बातचीत की है, और फिर अपने संबोधन में पुस्तकों के लिए बच्चों का मनोबल जो है वो बढ़ाते हुए भी नजर आए हैं। कहा है कि एक लंबा समय आप सभी को मिलेगा, क्योंकि आज से इस महोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन 17 नवंबर तक यह महोत्सव चलेगा, तो आपके पास काफी समय है। आप आइए और तो तरह तरह की जो पुस्तकें हैं वो पढ़िए, अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाइए, क्योंकि पुस्तकों से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। आयोजन में जुटे हैं पुस्तक प्रेमी, आप देख सकते हैं। अब स्पीच सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंचे, एक तस्वीर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लिक करवाई है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, और फिर उनके साथ एक फोटो जो वो भी क्लिक करवाइए। देखिए, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंचते हैं, ना केवल हम इस पुस्तक समारोह का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने कई दफा देखा है कि जब भी सीएम योगी बच्चों से मुलाकात करते हैं या फिर बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आता है। काफी ज्यादा खुश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों से मिलकर के नजर आते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे ने अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लिया है। गोमती रिवर फ्रंट पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पुस्तक प्रेमी भी जुटे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, समारोह का शुभारंभ किया, और फिर कहा कि समय है, आइए, और कुछ किताबें जो हैं वो बच्चों को बांटते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है नजर आए थे। उसके बाद सभी बच्चों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया है। तो आयोजन में तमाम जो पुस्तक प्रेमी हैं वो जुटे थे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों को जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुस्तकें दी, उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं पैर छू करके सीएम योगी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चों से कुछ सवाल जवाब जो है पुस्तक बांटते वक्त सीएम योगी कर भी रहे हैं, और आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट कई दफा देखी गई है, लेकिन हर बार तभी देखी गई है जब बच्चों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या फिर बच्चों की तरक्की के लिए कोई पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। एक एक करके यहाँ पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, पुस्तक उन्हें दी जा रही है, साथ ही बच्चों से उनका नाम पता पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई बातें जो है सीएम योगी उनसे पूछ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, तो बच्चों के चेहरे पर भी खुशी है अपने बीच में सूबे के मुखिया को पा करके। गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया है, गोमती रिवर फ्रंट पर इसका आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पुस्तक प्रेमी हैं उनकी मौजूदगी है। ऐसे समारोह का शुभारंभ करने के बाद बच्चों को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, और अपने संबोधन में जिक्र किया है पुस्तक की महत्वाकांक्षा को लेकर, कि पुस्तक कितने ज्यादा मायने रखती है आपके जीवन के लिए, आपकी तरक्की के लिए। और यहाँ पर इस महोत्सव में तरह तरह की पुस्तकें जो है वो आपको मिलेगी। आप आइए, यहाँ पर पढ़िए, जिस भी पुस्तक में आपकी रुचि हो, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि, हर क्षेत्र से रिलेटेड आपको यहां पर किताबें जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। एक लंबा वक्त है, आज से इस समारोह का शुभारंभ हो रहा है, 17 नवंबर तक चलने वाला है पुस्तक महोत्सव, तो एक लंबा वक्त आप सभी के पास है। सभी बच्चे यहां पर आकर के अपने रुचि के अनुसार पुस्तक जो है वो पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान जो है बढ़ा सकते हैं। यही प्रयास है शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का।